आज की रेसिपी भी हमारी बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है। आज हम बनाएंगे बीफ के चपली कबाब, क्योंकि जब भी ईद होती है तो चपली कबाब जो होते हैं वो मस्त होते हैं, चाहे घर में बनाने हो या चाहे किसी की दावत करनी हो। क्योंकि कोई ग्रेवी बन रही होती है, चावल बन रहे होते हैं, या बीफ का या मटर का कोई और सालन बन रहा होता है या फ्राई हो रहा होता है, तो साथ जो है वो चपली कबाब या शामी कबाब वगैरह ज़रूर रखे जाते हैं दस्तरखान के ऊपर। तो आपके साथ जो मैं आज चपली कबाब की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, ये वो रेसिपी है जो कि हम लोग बना के मार्केट में कस्टमर्स को सेल करते हैं, फैमिलीज़ को हम लोग जो है वो डिलीवर करते हैं। सेम वही रेसिपी शेयर करूँगा किस तरीके से आपने इसको बनाना है, किस चीज़ में आपको आसानी होगी, कैसे ये अच्छा बनेगा, और सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है कि आपको फ्रीज करने का तरीका भी बताऊंगा और आप इसको लंबे अरसे तक जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं। तो बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। साथ हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी एक लाल चटनी है टमाटर की और लहसुन की, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आइए फ़ौरन से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। आज चपली कबाब के मटेरियल की मिक्सिंग करने के लिए आपने पहले जो है वो खुला बर्तन लेना ताकि मिक्सिंग आसानी से हो सके। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 किलो जो है वो कीमा लिया हुआ है बीफ का, इसके अंदर तकरीबन जो है वो 10 से 15% फैट है। और आप कीमा देख रहे हैं कितना ज़्यादा बारीक करवाया हुआ है, कैसे आपस में कम्बाइंड है। और आप जब भी बाज़ार से करवाएं हो सके 2 या 3 दफ़ा मशीन से गुजार दें। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं एक बड़े साइज़ का जो है वो बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर रहा हूँ, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। साथ में जाएगा थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, ये दोनों चीजें हसबे जरूरत है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये मेरे पास मकई का आटा है जो कि आपने इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून ऐड कर लेना है। इसके बाद इसमें आप 1 टेबलस्पून नमक का और 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि दड़ा मिर्च शामिल करनी है, 1/2 टीस्पून हल्दी का डाल देंगे, और ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रहा हूँ गरम मसाला पिसा हुआ, और 3 टेबलस्पून डाल रहा हूँ कुटा हुआ धनिया। ठीक है, ये कुटा हुआ डालना है, इसका टेक्स्चर ज़्यादा अच्छा आता है। और ये मेरे पास अनारदाना है जो कि मैं कुटा हुआ 1/2 टेबलस्पून डाल रहा हूँ, ये मस्ट है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चपली कबाब में। और ये मेरे पास तकरीबन 1/2 टेबलस्पून जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और साथ इसके जो हम लोग 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। ठीक है, ये कोई मसाले ज़्यादा नहीं होंगे, चपली कबाब में मसाले ऐसे ही होते हैं और इन्हीं से अच्छा फ्लेवर बनता है। साथ इसमें हम लोग 1 अंडा शामिल करेंगे, 5 से 6 टेबलस्पून जो है वो इसमें लेमन जूस का डालेंगे और इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई सारे मसालों की। मकई का आटा जो है वो 1/2 कप है, यानी कि आप तकरीबन 5-6 टेबलस्पून डाल लें, और जो पुदीना और धनिया है पुदीना 1/2 कप डाल लें बारीक कटा हुआ, धनिया जो है वो आप तकरीबन 1 कप डाल लें बारीक कटा हुआ। समझ आ गई बात की। प्याज जो है उसका कोई वेट नहीं है, वो जो नॉर्मली घरों में एक बड़े साइज का प्याज होता है वो आपने रफली बारीक चॉप करके उसको जो है वो उसका पानी निकाल के वो इसमें शामिल करना है। ठीक है, बारीक चीज़ें होंगी तो बाइंडिंग जो है वो आपकी अच्छी होगी। बाकी जो मसाले आपको बताए हैं वो आपने सेम ऐसे रखने हैं, अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे, और ये देखें आपका बड़ा बेहतरीन सा जो है वो मटीरियल तैयार हो जाएगा, किसका, चपली कबाब का। आप देख रहे हैं ना इसका टेक्सचर, इसकी फॉर्म देख रहे हैं, इसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है। सबसे पहले हमने जो है वो मटेरियल तैयार कर लिया है। इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या थी कि जो आपका कीमा है वो बारीक होना चाहिए। अगर आप बाज़ार से करवाते हैं तो उसे कहेंगे 2 या 3 दफ़ा मशीन से गुजार देने, अगर आप घर में करते हैं तो फिर भी आप इसको बारीक रखें। ठीक है, और हल्का सा फैट इसमें होना चाहिए जो कि इसको सॉफ्ट और जूसी बनाता है। उसके बाद मैंने इसमें जो है वो आटा इस्तेमाल किया मकई का, आप इसमें गंदम का भी डाल सकते हैं, मकई का भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मकई का फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके अलावा जो हमने अंडा ऐड किया है वो अच्छी बाइंडिंग के लिए, अगर आपको अंडे से प्रॉब्लम है, कुछ व्यूवर्स कहते हैं कि अंडा हम स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये मटेरियल हमने बना लिया, अब इसको हम लोग शेप देते हैं और बताता हूँ कि इसका वेट कितना रखना है और किस तरीके से शेप देनी है। चले मैं आपको दिखाता हूँ कि कमर्शियली हम लोग कैसे सेल करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सांचा रखा हुआ है जो कि बर्गर पैटी वाला सांचा है, इसके अंदर इक्वल मतलब एक ही तरह के चपली कबाब सारे तैयार होते हैं और बड़ी अच्छी शेप में तैयार होते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि वेट जो है वो हम इसका रखते हैं 80 ग्राम का, मार्केट में जो चल रहा है वो तकरीबन 60-70 ग्राम का चल रहा है, लेकिन हम 80 ग्राम इसका वेट रखते हैं ताकि साइज में अच्छा हो। और एक और चीज़ का ख्याल रखें, आपके आप ये सांचा ले सकते हैं वरना आप इसको हाथ के साथ बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, घर में बनाना हो हाथ के साथ बना लें कोई मसला नहीं है। कमर्शली क्या है कि बस इसके साथ शेप अच्छी आती है और बनाने में आसानी और जल्दी बन जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको सांचे में बनाते हैं। हल्का सा यहाँ पर ग्रीस करेंगे और इसको प्रेस करेंगे और बड़ी बेहतरीन शेप का जो है हमारे पास चपली कबाब आ जाएगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें इस तरीके से प्रेस करेंगे, ये देखें क्या ज़बरदस्त है, पेपर रखा था ताकि आसानी से बाहर आ जाए,
ये देखें इस तरह से चपली कबाब आपका बन जाएगा। साइड्स चेक करें कितने इक्वल जो है वो बनी हुई हैं और बड़ा बेहतरीन शेप के अंदर है। तो यहाँ पे जी सारे बना के हमने ऐसे रैप कर लिए हैं, तो इतने मटेरियल के साथ इजीली जो है हमारे 18 से 19 जो है वो अच्छे साइज के चपली कबाब तैयार हो जाएंगे। अभी इनको फ्रीजर में रख देंगे। तो जी सारा तरीका आपने देख लिया, सारी बातें आपने समझ ली हैं। सिर्फ ये तरीका था, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका वेट आपने अपने हिसाब से रखना है, हम थोड़ा सा इसका साइज बड़ा रखते हैं। और उसके अलावा क्या है कि इसको थोड़ा सा आपने साइज में इसका जो राउंड शक्ल है ना, शेप है, वो थोड़ी सी बड़ी रखनी है, क्योंकि जब भी इसको फ्राई करेंगे ये थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, सुकड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है इसका साइज छोटा हो जाता है। और मैंने सांचा इस्तेमाल किया क्योंकि हम कमर्शली दे रहे हैं तो एक ही शेप के होने चाहिए, इसलिए सांचा इस्तेमाल किया। नहीं तो आप घर में बनाना चाहते हो तो आप हाथ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जो सांचा है ये है बर्गर पैटी वाला, इसके साथ क्या है बड़े एग्जैक्ट शेप में बनते हैं और जो कि ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ्राई होने के बाद। तो अभी क्या है इनको मैंने रखना है फ्रीज़र के अंदर ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। मैं आपको फ्रीज़ किया हुआ जो है चपली वो बना के दिखाऊंगा कि वो कितना ज़बरदस्त बनता है। उतनी देर हम लोग बनाते हैं हमारी स्पेशल टमाटर की और लहसुन की जो लाल चटनी है वो आज है। चटनी बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए, टमाटर है, साबुत लाल मिर्चें और ये लहसुन के जवे हैं, तकरीबन 20-22 जवे आपने ले लेने हैं। और ये मेरे पास आधा किलो टमाटर जिसको मैंने इसे काट लिया है, और साथ हमारे पास 50 ग्राम जो है वो साबुत सूखी जो है वो लाल मिर्च आ जाएगी। अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश कर लेना है। अब आपको चाहिए एक ब्लेंडर, एक जग चाहिए जूसर वाला, इसमें आपने चीज़ें डालनी है ताकि हम इसको ब्लेंड कर सकें, ठीक है ना। इस तरह साबुत तो ये नहीं बनाई जाएंगी क्योंकि हम लोग चटनी बना रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपने इसमें जग में डाल देनी है। आधा किलो टमाटर, 50 ग्राम साबुत लाल मिर्चें और 20-22 जवे लहसुन के। बाकी जो सब इन्ग्रीडियंट हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, आप वहाँ से देख के नोट भी कर सकते हैं। इनको जो है वो हमने ब्लेंड करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, 2-3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर आपने 1 टीस्पून जो है वो साबुत जीरा लेके उसको हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद जो प्यूरी अभी हम लोगों ने ब्लेंड की है वो सारी इसमें आपने डाल देनी है, टमाटर की, साबुत लाल मिर्चों की और लहसुन की। जो इंग्रेडिएंट हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिखे होते हैं, आप वहां से देख के नोट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ पे इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे बॉयल आने के लिए छोड़ दिया था। देखें साइड से जो है वो पकने लग गया। इसमें आपने तकरीबन आधा टीस्पून जो नमक का ऐड करना है, 1 टीस्पून आपने इसके अंदर जो है वो गर्म मसाले का ऐड करना है, ठीक है ना। ये गर्म मसाला था जो कि 1 टीस्पून आपने डालना है इतनी क्वान्टिटी के अंदर। इसको जो मिक्स करेंगे, इसको पकाएंगे, ये अंदर पकने लग जाएगा। नमक का ख्याल रखना है, नमक आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना। और फिर साथ इसके अंदर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो वाइट विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका डाल दूंगा और इसको जो है वो मिक्स करने लग जाऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी ये पकता जाएगा तो थोड़ा सा ये जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, मतलब इसमें जो पानी एक्स्ट्रा था वो ख़त्म होता जाएगा, ड्राई होता जाएगा। तो यहाँ पर आप इसकी टेक्स्चर चेक करें, बड़ा बेहतरीन सा हमारा जो है वो मटीरियल यानी कि चटनी जो है वो तैयार हो गई है। अब आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रखें इस तरीके से ताकि आप इसको ईजिली जो है महफूज कर सकें। इसको चाहे फ्रिज में आप रख लें, 2-3 महीने कहीं नहीं जाती। चटनी बनी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। ये अक्सर हम लोग घर में बनाते हैं और बड़ा मज़ा आता है इसके साथ। कोई भी चीज़ हो, चाहे कबाब हो, चाहे सीख कबाब, शामी कबाब या चपली कबाब हो, मज़ा आ जाता है। तो आप इसको इस तरीके से बना के किसी जार में डाल के जो है वो फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। 15 दिन 20 दिन 1 महीना इसको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो चटनी हमारी तैयार हो गई है, अब हम लोग चलते हैं हमारे चपली कबाब की तरफ जो कि हमने फ्रीज़र के अंदर रखे थे। तो ये देखें जी, हमारे जो चपली कबाब हैं वो अच्छे तरीके से फ्रीज हो गए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें सख्त हुए पड़े हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से जमे हुए हैं ये। और मैं आपको फ्रीज़ हुआ चपली कबाब ही फ्राई करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे जी, एक तो आपने फ्रीज़ कर लिया, बाद में आप ऐसे प्लास्टिक बैग आपको मार्केट से मिल जाएगा, आप वो ले लें और इसके अंदर डाल के आप फ्रीज़र के अंदर रख लें। आसानी हो जाती है, पैकिंग जो है वो इस तरह की वो आसान करती है। फ्रीज़र वगैरह में समटाइम जगह नहीं होती तो जो ट्रे रखेंगे तो मुश्किल होती है, तो आप पैकेट में डाल के रख लें या किसी डब्बे में डाल के रख लें। और कमर्शली भी हम लोग इसी तरीके से सेल करते हैं, इस तरह पैकिंग बनाते हैं, 6 पीसीस की, 12 पीसीस की, 24 पीसीस की, इस तरह के पैकेट के अंदर, और हम ऊपर अपना स्टिकर वगैरह लगा के डिलीवर कर देते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ गई है। इसके मुतालिक रेसिपी मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, अगर आप काम करना चाहते हैं, बड़ा बेहतरीन काम है, तो आप वो रेसिपी देख सकते हैं कैसे करना है। सारा तरीका मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया है, उसमें बताया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं, चैनल के ऊपर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो ये देखें चपली का वो हमारा फ्रीज किया हुआ, इसी तरीके से आपने इसको तेल में डालना है और ये फ्राई होने लग जाएगा। ऑयल जो है वो आपका मीडियम सा गर्म होना चाहिए और इसकी आपने दोनों साइडों से इसको पका लेना है। और आप देख रहे हैं कि साइज़ में थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन जैसे ही इसको हीट मिली है इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन शेप इसकी बड़ी बेहतरीन है, ये ना अंदर से टूटा है ना खुला है। तो यही तरीका है चपली कबाब बनाने का, फ्रोज़न चपली कबाब का तरीका। आप इसकी फाइनल लुक चेक करें, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, देखें कितना ज़्यादा लचकदार है और बड़ी आसानी के साथ ये टूट जाएगा।
ये देखें इस तरीके से टूट ये जाएगा आप जैसे भी बनाएंगे, लेकिन इसका ये वाला टेक्सचर नहीं बरकरार रहता, ये खुल जाता है, इसकी शेप नहीं ऐसी रहती। तो आप सेम इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, अंदर तक सॉफ्टनेस होगी, जूसीनेस होगी और फुल फ्लेवरफुल होगा। इसमें किसी मसाले की कमी नहीं है, हर तरह का मसाला हमने इसमें डाला है जो कि इसमें ज़रूरी होता है। तो ये थी जी आज की हमारी चपली कबाब की रेसिपी, देखा आपने बहुत ही बेहतरीन बना है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसका साइज़ बड़ा रखेंगे, लेकिन जब फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा सुकड़ जाता है, छोटा साइज़ हो जाता है, और बहुत ही बेहतरीन बने हैं। आप इतने मटेरियल के साथ इजीली जो है वो 18 से 20, 18-19 चपली कबाब आपके बन जाएंगे अच्छे साइज़ के। अगर आप घर में बना रहे हैं बगैर सांचे के, तो मे भी एक दो ज़्यादा बन जाए, क्योंकि वो फिर हाथ के हिसाब से बनते हैं। तो आप इनको बनाएं, इनको फ्रीज़ करें, ईद में जो गोश्त अवेलेबल होता है, ईद के अलावा भी जब भी बनाने आप बना के इनको फ्रीज़ करके रखें। मेहमान आते हैं या घर में कभी शाम टाइम चाय के साथ दिल करता है तो आप जस्ट निकालें और इस तरीके से फ्राई करें, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त बनेंगे और ऐसे ही सॉफ्ट रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलूंगा आप साथ एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।